मौर्या एसडीएम के नाम से मशहूर हुई ज्योति मौर्या की कहानी तो आपने अब तक सुन ही ली होगी। वही कहानी जो रायबरेली से ज्योति के पति आलोक मौर्या के वायरल वीडियो से शुरू हुई और देश दुनिया के हर मोबाइल और टीवी न्यूज चैनलों तक पहुंच गई। किसी ने ज्योति को बुरा कहा तो कथित रूप से कुछ लोगों ने अपनी पत्नियों को इलाहाबाद से पढ़ाई छुड़ाकर वापस घर बुला लिया, तो किसी ने कहा कि मुझे हीरा ठाकुर नहीं बनना। एक ज्योति मौर्या के मामले ने तूल क्या पकड़ी, लोगों ने महिलाओं पर सवाल ही उठा दिया। कितनी महिलाओं के द्वारा पतियों के लिए दी गई कुर्बानियों को इस मामले ने दबा दिया। हर महिला ज्योति मौर्या ही नहीं होती जो सफल होने के बाद अपने पति व परिवार का त्याग कर दे। आज हम आपको उत्तराखंड के उस पहली महिला टैक्सी ड्राइवर रेखा की कहानी सुनाएंगे जो शिक्षा के मामले में डबल एमए है, एलएलबी की पढ़ाई की है, पति फौज में थे। पति के रिटायरमेंट के बाद उनकी तबीयत गंभीर रूप से खराब हो गई। उसके बाद तो रेखा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर क्या था, रेखा ने खुद टैक्सी के स्टीयरिंग संभालने का फैसला लिया। कब क्या कैसे हुआ ये सब बताएंगे इस रिपोर्ट में। उससे पहले आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। रेखा लोहनी पांडे उत्तराखंड की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर हैं। उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि यदि महिलाएं चाहे ले तो कुछ भी कर सकती हैं। और हर औरत ज्योति मौर्या ही नहीं होती, उन्होंने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले संभाल रखी है। उनकी कहानी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। रेखा को राज्य के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने भी उनके कार्यों के लिए बधाई दी है। रेखा ने सामाजिक दबावों से ऊपर उठकर कार का स्टीयरिंग संभालने के साथ ही घर का स्टीयरिंग भी अपने हाथ में लेकर उसे बखूबी संभाला। रिपोर्ट्स के अनुसार रेखा लोहनी पांडे उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गरुड़ क्षेत्र के भेटा में रहती है। वह रानी खेत से हल्द्वानी के बीच टैक्सी चलाती हैं। परिवार के भरण पोषण के लिए उन्होंने टैक्सी चलाना शुरू किया था। वह उत्तराखंड की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर हैं। रेखा का मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी चीज आत्मनिर्भरता है। उनका कहना है कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वह काम महिलाएं भी कर सकती हैं। रेखा के एजुकेशन की बात करें तो वह डबल एमए हैं। उन्होंने मास्टर्स इन सोशल वर्क और एलएलबी यानी वकालत की पढ़ाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा के पति मुकेश चंद्र पांडे रिटायर्ड फौजी हैं। पति की सेहत खराब होने के बाद रेखा ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। उनके पति टैक्सी चलाते थे लेकिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। ऐसे में पहले उन्होंने टैक्सी के लिए ड्राइवर भी रखा, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने तय किया कि वह खुद टैक्सी चलाएंगी। लोगों ने इसके लिए ताने मारे, लेकिन उन्हें सभी को नजरअंदाज किया, क्योंकि उन्हें अपनी तीन बेटियों की चिंता है जिनके भरण पोषण की जिम्मेदारी वह बखूबी संभाल रही है। रेखा अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा है। उनका कहना है कि महिलाएं घर की दहलीज तक सीमित नहीं रहें और अपने समाज में जगह बनाएं। महिलाएं जो करना चाहती हैं उन्हें करने देने चाहिए, इससे वे आत्मनिर्भर बनेंगी। ऐसे में ज्योति मौर्या मामले के बाद महिलाओं के उच्च शिक्षा पर रोक और तमाम पाबंदियों के सिपह सलार उन मर्दों के मुंह पर लगाम लगाने का काम किया है। ऐसे में महिला टैक्सी ड्राइवर रेखा की इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।